इसका आप सभी को इंतजार था, हम सभी को इंतजार था। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और अगर देखा जाए तो एक जो हमने इसके पहले सुबह आपको जो न्यूज़ दी थी उसमें से एक बात तो सच होती हुई दिख रही है। सीधे सीधे आप देख सकते हो कि पूजा भट्ट जो है वो स्टेज पर मौजूद है, लेकिन अभी तक ये एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि पूजा भट्ट एज अ कंटेस्टेंट आई हैं या एज अ गेस्ट उन्होंने सेट पर विजिट किया है। और सर आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा सस्पेंस तो भाई ऐसा पहली बार हो रहा है बिग बॉस के घर में, क्योंकि ओवरऑल 12 या 13 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट जो है वो आउट हो चुकी है, लेकिन अभी भी बिग बॉस की तरफ से ये खबर सामने आ रही है। जनता जो है अभी तक बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हुआ है। 13 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट के बाद 2 कंटेस्टेंट्स का नाम जो है और ज़्यादा इस लिस्ट में जोड़ा जा रहा है, और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि 2 कंटेस्टेंट जो है उनको सरप्राइज रखा गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जैसे आप सब जानते हैं कि सलमान खान जो है ऑलरेडी भाई स्टार्ट कर चुके हैं, टूर दे चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें, लाइक ओटीटी का फुल फॉर्म बता दिया है उन्होंने, ओवर टॉप नॉच और ये सारी चीज़ें जो बताई है उन्होंने, ओवर द टॉप नॉच, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग, ट्रमेंडस और टेरेबल, ये सारी चीज़ें वो बोले जा रहे हैं। और ओवरऑल बिग बॉस ओटीटी का बहुत तगड़ा प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि 2.5 महीने के तगड़े फीवर के बाद, यानी कि क्रिकेट फीवर के बाद, अब बिग बॉस ओटीटी आया है जिसको दोबारा से चर्चा करने का मौका मिलेगा। और सलमान यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं पूजा भट्ट को भी। अब सब जानते हैं कि पूजा भट्ट सलमान खान की बहुत ही अच्छी दोस्त भी हैं, ये भी कहा जाता है, और दोनों का बॉन्ड सलमान खान और पूजा भट्ट का बहुत अप्रिशिएबल है इस समय। तो भाई जो इनकी बातचीत हो रही है काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक वाली, वो लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और अगर देखा जाए तो सलमान खान ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया है 4 लोगों से जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, और सलमान खान ने पूजा भट्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है संदीप सिकंद से, संदीप सिकंद के बाद MC Stan से, MC Stan के बाद सनी लियोन से, सनी लियोन के बाद दिबांग से, और दिबांग के बाद, मैं माफ़ी चाहता हूँ 5 लोग हैं, दिबांग के बाद अजय जडेजा से जो कि क्रिकेटर हैं। देखने वाली बात है कि पूजा जो है अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ पूजा जो है वो भी गेस्ट पैनल ऑफ जो गेस्ट है पैनल ऑफ जज हैं उनके पैनलिस्ट के बगल में जाकर बैठ चुकी हैं। तो अब देखने वाली मतलब यानी कि पूजा भट्ट भी एक पैनलिस्ट ही हुई, तो टोटल 6 पैनलिस्ट हैं जो कंटेस्टेंट्स को रोस्ट करेंगे। और सलमान खान ने तो खुद इस चीज़ का खुलासा कर दिया है कि जो कंटेस्टेंट्स की जन्म कुंडली है वो इस समय पैनलिस्ट के हाथों में, यानी कि सनी लियोन जो कि एक कंटेस्टेंट भी हैं, स्टैन ऑलरेडी बिग बॉस 16 के विनर रह चुके हैं, संदीप सिकंद ये तो सलमान ने खुद कहा कि अवेट वॉचर हैं और एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, दबंग बोला जाता है बिग बॉस के 16 में, भाई क्लास लगा दी थी बहुत सारे लोगों की आते ही। अजय जडेजा पहली बार आ रहे हैं, सलमान खान ने खुद कहा कि मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं। अभी तो ये शुरू हुआ है भाई, अब देखते हैं क्या क्या आगे ट्विस्ट हमको देखने को मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रही हमारे साथ, यानी कि FIFA Fools के साथ। धन्यवाद।